मैं अपने व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और लाइक करने वालों का आभार प्रकट करते हुए आपको नमस्कार करता हूं और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं मैं आपके सामने। यह है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे अच्छी बात इसकी ये जान लीजिए कि पहले जो लोग डरते थे इसको चलाने से, अब इनफील्ड ने इसमें बदलाव कर दिया। राइट हैंड पर ये देखिए ब्रेक लगी हुई है राइट हैंड पर, और लेफ्ट हैंड पर इसके गियर पैडल लगे हुए हैं। अगर आप कोई सामान्य बाइक चलाते रहे हों, चाहे 100 सीसी, 150 सीसी, जो भी, तो अब आप इसको आसानी से चला सकते हैं क्योंकि इसमें सब चीज़ें वही सिंपल बाइक की तरह लगा दी गई हैं। अब आपको चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। पीछे से काफ़ी लुक अच्छा है, आगे से भी सब चीज़ सेम ही है। काफ़ी बदलाव भी किए गए हैं इसके अंदर, जैसे सीट के अंदर देखिए स्प्रिंग लगी हुई है, गैस में गैस वाले शॉकर हैं, इसके पीछे शॉकर में गैस है। और ये देखिए लेफ्ट, सबसे अच्छी बात लेफ्ट हैंड पर गियर पैडल है। अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अब आप कोई सामान्य बाइक चलाते रहे हों तब भी आप इसको चला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, बुलेट का अपना अलग ही क्रेज़ है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसका किसी बाइक से आप कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका अलग ही अंदाज़ है, अलग ही क्रेज़ है, अलग ही जुनून है इसको ख़रीदने वाले के अंदर। वापस थोड़ा महंगी है बाइक ये ज़्यादा, लेकिन अपने आप में एक बेजोड़ है ये। ये देखिए इसके डिस्क पैडल, डिस्क है ये, और आप इसका मीटर देख सकते हैं, पहले की तरह सब कुछ है। लेकिन पहले एम्पियर मिला के स्टार्ट करना पड़ता था, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये सेल्फ स्टार्ट बाइक है, आप सेल्फ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें किक दी हुई है, और इसमें ये देखिए ऑयल लेवल के लिए लगा है, जिससे आप अपने इंजन ऑयल चेक खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपके में कितना लेवल है, लो लेवल है या मैक्सिमम लेवल है। और इसमें ट्विन स्पार्क प्लग इग्निशन सिस्टम दिया गया, ट्विन स्पार्क इस पर लिखा हुआ है, डबल प्लग दिए गए हैं जिससे पेट्रोल अच्छी तरीके से जल सके और अच्छी माइलेज, अच्छा पिकअप आपको मिल सके। ये बेहतरीन सिस्टम कर दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है। ये देखिए कार्बोरेटर, जैसे पल्सर और अपाची में लगा होता है वही लगभग सेम कार्बोरेटर है, जिससे आपको अच्छी माइलेज मिल सके। और ये फिल्टर का बॉक्स है, इसमें फिल्टर रखा हुआ रहता है जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा है। ये आपने देख लिया राइट हैंड पे क्या, आप लेफ्ट हैंड पे देखें, इसके लेफ्ट हैंड पे गियर पैडल है, जब आप आसानी से गियर लगा सकते हैं, अभी सामान्य ही है। यह है बैटरी का पैनल जिसमें आप बैटरी रखी हुई है, और यह है जो उधर एक प्लग रखा हुआ था, मैंने दिखा दिया वो प्लग लगा हुआ था, इसमें इस तरफ एक प्लग लगा हुआ है, डबल स्पार्क प्लग इसके अंदर लगे हुए हैं। ये है आपका सेल्फ, जहाँ पहले पॉइंट लगा हुआ रहता था, अब इस पर सेल्फ लगा के दे दिया इन्होंने, जो कि बहुत ही अच्छा है, ये देख सकते हैं आप। फ्यूल टैंक इसमें 13.5 लीटर का, 13.5 लीटर का है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। सीट का सिस्टम देखें, पहले सिंगल सीट होती थी, अब डबल सीट कर दी गई है, जो राइडर है जो चलाने वाला है उसके लिए अलग सीट है। वो इसमें स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, जिससे सस्पेंशन इसमें भी है, जो कि बहुत ही आरामदेह है, चलाने में बहुत ही अच्छा रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं ये बदलाव किया गया है। और इस बॉक्स में आप अपना टूल्स रख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड पे लगा हुआ था, ये देखिए इसके अंदर टूल्स आप रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इस बाइक को, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, चलने में कैसी है। ये बाइक 350 सीसी, 0.8 BHP, 52-50 RPM पर, 28 नॉर्मल, 4000 RPM पे है ये। और ये 0 से 60 की स्पीड 5 सेकंड में पकड़ लेती है, ये आप देख सकते हैं, चलने में अच्छी है बाइक। बुलेट के लिए आप क्या करें भाई, 350 सीसी बाइक है तो लाजमी अच्छी चलती है, चलने में अच्छी ही रहेगी। ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है बाइक, अगर आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे मैं आगे और अच्छी अच्छी बाइकों का रिव्यू लेकर आता रहूं, वो भी हिंदी में। ये देखिए ये कई कलर्स में आती है, कई मॉडल, इसके मॉडल वही हैं लेकिन कलर्स आपको अच्छे अच्छे आकर्षक कलर दिख जाएंगे आपको। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।